ऐसा होता है तो फिर हमारी ही जमीन पर वो तेजाब के छिटकते क्यों दिखाई पड़ते हैं? हमारी ही चमड़ी पर वो लटकता गोश्त हैवानियत के दस्तखत छोड़ जाता है। लोहे का औजार जब जिस्म के उस हिस्से पर डाला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है बाबा। सिर्फ खून के फवारे ही नहीं निकलते, दर्द की चुंबिश पर सिर्फ चीखे ही नहीं निकलती। सलाम और हमदर्दी जैसे टांगे भी उसके सामने कमजोर नजर आते हैं। ऐसा लगता है किसी ने लोहे के जंगले को सूरज में डुबोकर उसके हिस्से पर रख दिया। ऐसा लगता है किसी ने जख्म के चीरे पर अनगिनत कोड़ों की बौछार कर दी। ऐसा लगता है किसी छोटे बच्चे की तो आज भी अपने बचपन के फितूर में इस कदर डूबा हुआ है कि अगर वो मेरी गर्दन मरोड़ देगा, मेरी टांगे तोड़ देगा, अपनी उंगलियों को मेरे जिस्म पर सहलाएगा, अपनी मस्ती वाली हथेलियों से मुझे मसलकर फेंक देगा, तो आप